साहस सरोकार। शीर्ष नेतृत्व और पीएम के साथ तय होगी शपथ की तारीख। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में देवेंद्र फडणवीस से पूछताछ करेगी साइबर पुलिस। अंडमान और निकोबार द्वीप में भूकंप के झटके। पहली बार बैकफुट पर श्रीलंका, भारत के पास 166 रन की बढ़त। कोरोना मामलों में गिरावट जारी, 24 घंटे में आए 3116 नए मामले, 4000 में से कम हुए एक्टिव केस। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज क्षेत्र में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जीत के जश्न में कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में नवनिर्वाचित विधायक सैयदा खातून समेत 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी की विधायक सैयदा खातून ने कुछ लोगों पर हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए वीडियो की सत्यता की जांच की मांग की है। परेशान किया गया माली मैना में, जैसे जाहिद और हमीद के घर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके घर पुलिस 50 पुलिस अंदर घुसकर, लेडीज सिर्फ थी, उन लोगों को ढूंढ रहे थे कोने कोने में कि कहां गए वो लोग। बहुत परेशान किया गया और कम से कम 15 लोगों को थाने पे बैठाया गया है, जबकि जो वीडियो वायरल हुआ है उसका कोई कहीं से सच्चाई नहीं है, हमारे कार्यालय का नहीं है। सड़क पे कोई क्या कह रहा है और उसकी जांच हो, जो सच पाया जाए उसको सजा दी जाए। क्यों सारे लोगों को सजा दी जा रही है भाई? एक वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ है जिस दिन मतगणना हुई है, उसके बाद शाम का वीडियो है, डुमरियागंज का वीडियो है, और उसको संज्ञान में लेकर के तत्काल गंभीर धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है, जिसमें धार्मिक उन्माद फैलाने का और गाली गलौज करने, अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने, इस तरह की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 15 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है, 15 में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए अभी प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें सर पाकिस्तान जिंदाबाद या इस तरह की बातें आ रही हैं कि इस तरह के नारे लगाए गए, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर और किस तरह से उसके आगे क्या कर रहे हैं? अभी इस तरह की कोई बात उसमें स्पष्ट नहीं हुई है कि किसी राष्ट्र विशेष का नाम लेकर के जिंदाबाद की बात कही गई हो, फिर भी उसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। उसको हम लोगों ने अपने साइबर सेल को भेजा है और उसको लैब में भेजा जा रहा है, उसमें कि एडिट तो नहीं है किसी तरह का, क्या एक्चुअल में उसमें नारे लगाए जा रहे हैं उनको भी देखा जा रहा है। और ये चुनाव के बाद का वीडियो है और उसमें चूंकि ऑलरेडी संवेदनशील है, धारा 144 लागू थी, इस कारण। अयोध्या में संत राम प्रसाद चौधरी स्मारक महाविद्यालय कोदैला में एक विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान मेले का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करके की गई। इस दौरान कुछ होनहार छात्रों ने चार्ट के माध्यम से विज्ञान और मौसम विज्ञान से संबंधित कई वैज्ञानिक पहलुओं की चित्रकारी करते हुए पोस्टर के माध्यम से झलकियां प्रस्तुत की। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे कुमार अशोक पांडे ने विज्ञान मेला में भाग लेने वाले प्रतिभागी छात्र और छात्राओं को सम्मान प्रस्तुत पत्र देकर सम्मानित किया। ये विज्ञान मेला है जिसमें हम विद्यार्थियों के मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो ऐसे विद्यार्थी जिनके अंदर मन में वैज्ञानिक जिज्ञासा है
और उन जिज्ञासाओं को एक प्रोडक्ट के रूप में हम सामने लेके आए। मैं इस अयोध्या जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े जनपद के कोने कोने से विद्यार्थी आज यहाँ पर आए हुए हैं और इस विज्ञान मेला में अपनी प्रदर्शनी लगाए हुए हैं। देश के जो है और ढेर सारे वैज्ञानिक अभी आए थे, उन्होंने अपना वैज्ञानिक व्याख्यान दिया। आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक पांडे जी थे, जो पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन रहे हैं, और हमारे संजय पांडे जी आए हुए थे, मनोज मिश्र आए थे, विकास मिश्र आए थे। इन लोगों ने अलग संभल में बल्ब में भीषण विस्फोट हुआ। इस हादसे में पिता और उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हुए। भीषण विस्फोट की घटना बजोई कोतवाली के गांव मतदारा की है, जहां पर कूड़े में एक बालिका को थैले में रखा गया। पीड़ित के अनुसार बल्ब में बारूद थी, जिसे बम बनाकर किसी ने फेंक दी है। इसे पूरे मामले की पुलिस मौन। तो इन्होंने वो बोर्ड ला के अंदर से भीतर से बोर्ड चेक कर रहे, मैं मना कर रही, मेरी मन चेक करो, जिन्होंने लगा ना पाओगे स्विच इतनी देर में तो वो फट गो, ब्लास्ट हो उसी समय ये जलकर। हाँ तो ये हाँ तो एकदम खूब तेज भाई, पूरे परिवार में मालूम पड़ी लागे का हुआ। हम तो इतनी देर में इन्हें लेके ना डॉक्टर के पास भजी चलेगा इनकी नाक को। और उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोटेदार से गुस्साए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार कभी भी पूरा राशन नहीं देते हैं। 7 मार्च को ज्ञापन देकर कोटेदार की शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं SDM ने ज्ञापन ले कोटेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मामला जामो ब्लॉक के गौदपुर का है। ग्राम सभा गौतमपुर के कोटेदार के खिलाफ जो है, जो जनता को राशन ना देने के कारण हम लोग 7 मार्च को यहाँ पे ज्ञापन दे चुके हैं DM साहब को। उसके बावजूद भी जब एक टीम गठित की गई थी उनके यहाँ, और ये बोला गया था कि 12 तारीख को 11 बजे हम गांव में हमारी टीम आएगी, हम लोग जो है उस चीज का इंतजार कर रहे थे वहाँ पे। जब 11 बजे के बजाय 2:30 बजे तक टीम नहीं आई, तब हमने संपर्क स्थापित किया माननीय जो है तहसीलदार महोदय से, ADM साहब से। उसके बाद हमें जो है आश्वासन न मिलने के कारण हमारी जनता इतनी आक्रोशित हो गई थी कि हमको उन्होंने मतलब वो मान ही नहीं रहे थे, लिहाजा हमको दोबारा जो है DM साहब के कार्यालय में लाना पड़ा। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है कि उनकी जांच तत्काल बैठ गई है, और तत्काल प्रभाव से ये बताया गया है कि हमारी जो जनता है वो मझगवा में राशन लेगी, और जब तक उनका विदिन 2 या 3 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुझे ADM के द्वारा आदेश दिया गया। खबर अमेठी से है, जहां ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बलमभद्रपुर में स्थित रानीपुर पश्चिम के प्राथमिक विद्यालय से मामला सामने आया है, जहां वैसे तो विद्यालय में 193 छात्रों की संख्या है, 6 अध्यापकों का स्टाफ है, मिड डे मील भी है, लेकिन विद्यालय बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। विद्यालय में न तो पीने के लिए पानी है और न ही शौचालय। प्रधानाध्यापक ने बताया कि शिकायत के बावजूद भी हमारे विद्यालय में एक इंडिया मार्क नल की व्यवस्था तक नहीं है, बच्चे पानी और शौचालय के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर है। क्या नाम सर? हरिप्रसाद गौतम। किस पद पे हैं? प्रधानाध्यापक पद। कौन सा विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय रानीपुर पश्चिम बलभद्रपुर ग्राम सभा में है। जी, समस्या क्या है? समस्या है हमारे यहाँ पेयजल की समस्या है। यहाँ जो है बच्चे काफ़ी हैं, 193 बच्चे हैं, और उसमें जो है नल एक भी नहीं है। बगल में एक नल है, मंदिर है, उसी का नल है, उसी से काम चल रहा है। शिकायत किया गया है इसके लिए? हाँ हाँ, इसकी शिकायत हमने जो है ब्लॉक पे दी है लिखित सूचना, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस संबंध में। हाँ, हमारे यहाँ जो है बाउंड्री भी नहीं है, और बगल में ही सड़क है, बच्चे इधर उधर जाते रहते हैं, कभी कोई दुर्घटना हो जाए। क्या चाहते हैं? अरे हम सर यही चाहते हैं कम से कम ये बाउंड्री हो जाए, शौचालय बन जाए। बड़ी बड़ी लड़की अमेठी में नाबालिग युवक का गांव के बाहर कुएं में शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाया है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दरअसल युवक के घर वापस न आने पर परिजन ने काफी खोजबीन की, लेकिन सुबह तक कोई पता नहीं चला। इस घटना की सूचना परिवारजनों सहित गांव के लोगों को होते ही गांव में हड़कंप मच गया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुएं से शव को बाहर निकलवा कर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 11 बजे रात का 8 बजे और
ग्यारह बजे रात हुआ, सुबह 12 बजे लाश मिली। कहाँ मिली है? इनारा में, कुएं में। किसने आपको बताया? जी हम खुद ढूंढते ढूंढते गए थे। अच्छा, आप खुद ढूंढते ढूंढते गए तो कुएं में देखा। गांव से कितनी दूर पे है कुआं? लगभग 500 मीटर। देवरिया में एक युवक को बदमाशों ने सरेआम पीटना शुरू कर दिया। घायल युवक चिल्लाता रहा, एक पत्रकार ने मानवता दिखाते हुए घायल युवक को बचाता रहा, फिर भी दबंग उससे पीटते रहे। पुलिस को सूचना देने के बाद भी घंटों तक पुलिस वहां नहीं पहुंची, जिसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया। कुछ पत्रकारों ने घायल पीड़ित को उसके परिजनों को सूचना देकर उसे जिला अस्पताल भिजवाया। खबर संभल से है, जहां मेंथा के गोदाम में आग लग गई। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं मेंथा व्यापारी हाजी महमूद की फैक्ट्री बताई जा रही है, वहीं भारी नुकसान के अनुमान जताए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी की टीम पहुंची, घटना की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर रायबरेली से है, जहां लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर जा रही रोडवेज बस चालक को मिर्गी का दौरा आने के बाद बस का संतुलन बिगड़ गया और बस रोड के किनारे गड्ढे में चली गई। हालांकि इस घटना में किसी को भी चोट नहीं आई, बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। बता दें कि बस में लगभग 25 से ज्यादा यात्री सवार थे। बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक पुत्र अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हेट स्पीच मामले में 4 धाराएं और बढ़ाई गई हैं। पुलिस ने अब्बास अंसारी पर 171H और 506 IPC की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। अब 4 और धाराएं 186, 179, 153A और 120B बढ़ाई गई है। एटा जिला मुख्यालय पर आज आम आदमी पार्टी ने पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीत की खुशी में तिरंगा यात्रा निकालकर जश्न मनाया। यहां तिरंगा यात्रा कलेक्ट्रेट से प्रारंभ होकर कचहरी रोड, मेहता पार्क, घंटा घर होती हुई हाथी गेट स्थित सुभाष मूर्ति तक गई। वहां पहुंचकर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस तिरंगा यात्रा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी में अपार ऊर्जा तथा जोश देखने को मिला। पूरी तिरंगा यात्रा में देशभक्ति के नारे जमकर लगाए गए। तिरंगा यात्रा प्रायोजित नहीं है, तिरंगा यात्रा एक देशभक्ति की यात्रा है, कहीं भी किसी भी जगह निकाली जा सकती है। रही बात एटा के परिप्रेक्ष्य में, तो इस समय आपको पता होगा कि पंजाब में हमें बम्पर जीत और एक तरफा जो जीत हासिल हुई है, कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह से जश्न मनाने के लिए आज की तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाली है। सर, आम आदमी पार्टी में प्रत्याशी चयन की 5 पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स पर खड़े उतरने वाले प्रत्याशी होते हैं। हम धनवल, जनवल या अन्य तरह से बाहुबलियों कोई टिकट नहीं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।